नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लीन यूआरएल के बारे में बात करेंगे। ड्रूपल 7 में इसका यूज़ होता है। क्लीन यूआरएल का मतलब है कि दोस्तों, अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ ये लिख रखा है कि इस टाइप से ये यूआरएल बन रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू नोड स्लैश 4। तो इस टाइप से जो यूआरएल दोस्तों बनते हैं, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो इसको हमें चेक करने के लिए, इस टाइप का पैटर्न ना बने, उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, सर्च एंड मेटा डेटा में जाना पड़ेगा, क्लीन यूआरएल में जाना पड़ेगा। और यहाँ ये देखेंगे कि ये इनेबल है या नहीं। अगर ये इनेबल है तो इस टाइप से यूआरएल पैटर्न नहीं बनेंगे। वो मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा था, देखते हैं। अबाउट अस, ये देखिए, इस टाइप सी URL क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कुछ कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको जस्ट अनचेक करके सेव कर दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, इस पर क्लिक कर देखिए, क्वेश्चन मार्क क्यू कॉन्टेक्ट। तो इस टाइप से ये URL बनेगा। तो अगर इस टाइप से URL आपको नहीं चाहिए तो इसको आप इनेबल कर दीजिए, जो कि हमारा SEO फ्रेंडली होता है कि क्लीन URL बनता है। तो ये था यूज़ दोस्तों, क्लीन यूआरएल कैसे अपनी ड्रूपल वेबसाइट पे एसईओ फ्रेंडली क्लीन यूआरएल बनाए। दोस्तों, एक इस ये मीनू देखिए, थोड़ा सा रीअरेंज नहीं है, जल्दी से इसको अरेंज कर लेते हैं। ये भी देख लीजिए किस तरीके से ये अरेंज होता है। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, मीनू में जाना पड़ेगा, मेन मीनू में जाना पड़ेगा, मेन मीनू की लिस्ट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस तरीके से भी आप अरेंज करना चाहते हैं, आप अरेंज कर सकते हैं। हमें न्यू कॉन्टैक्ट अस बिल्कुल नीचे चाहिए, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और सेव कर दिया। देखते हैं इफ़ेक्ट हुआ कि नहीं। देखिए दोस्तों, चेंज हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।